बड़हरिया प्रखंड के चौकी हसन पंचायत में इस बार कांटे की लड़ाई देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी जनता से अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं चौकी हसन पंचायत से इस बार मधुरिमा सिंह मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में हैं, जहां पंचायत में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि चौकी हसन पंचायत विकास से कोसों दूर है, केवल कागज पर विकास किया गया है। अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो सरकार के सभी योजनाओं को अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का काम करूंगी और अपने पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत बनाऊंगी। देखिए पूरी खबर। पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। मैं चाहूँगी कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले विकास का काम करना है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करानी है बढ़िया, युवा भाइयों को रोजगार के लिए प्रबंध कराना है। केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से अपील करके मैं सारी व्यवस्था चाहूँगी कि पंचायत में हो, और सब महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करानी है। इन 5 सालों में विकास को किस रूप में आप देख रहे हैं अपने पंचायत में? मुझे तो कुछ नहीं, पिछले 5 साल में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जनता आपको इस बार इस पंचायत से मुखिया बना देती है तो प्रमुख कार्य क्या होगा? क्या लग रहा है कि निर्मल ग्राम पंचायत बन पाएगा? आशा है, बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, सबको अपने रास्ते पर ले आएंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पीछे जरूर आगे लोग बढ़ेंगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए, इतना बड़ा जन सैलाब लेकर आप सड़क पर ये जुलूस निकाली है, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ सारे भाइयों से, मुझे यही अपील है पंचायत से कि हमें एक मौका दिया जाए और मेरा कार्य देखा जाए। क्या लग रहा है इतना बड़ा जन सैलाब से जनता आपको इस बार अपना मुखिया बनाएगी? मुझे विश्वास लग रहा है। और अपील क्या करिएगा जनता से? जनता से तो यही अपील करेंगे कि मुझे एक बार मौका दे, मैं सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारूंगी, विकास करना, और हम कोशिश करेंगे आदर्श पंचायत को हमको बनवाने का सरकार। चलिए, अगर पंचायत से आप बन जाते हैं पंचायत में, सबसे पहले जितना छूटा है शौचालय, जितना इंदिरा आवास, जितना वृद्धा पेंशन, जितना राशन कार्ड, माने पंचायत में रोशनी की कमी है, जितना होगा स्कूल की कमी है, जितना होगा हम विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं सबसे पहले हम आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करें, जनता से अपील करें कि अब की बार मुझे सरपंच पद पर जिताए हैं, आज मुझे मुखिया बनावें और बैगन छाप पर अपना मतदान दें, मोहर लगाएं।